अब हम भीतर नहीं जा सकते हैं। क्यों ये हम बताएंगे आप बताएंगे? हम बताएंगे। हम भीतर इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि कुंवर प्रताप बाहर आ रहे हैं। वो बाहर जाएंगे, हम भीतर जाएंगे। न जाने क्या सोचकर चूहे की जान बख्श दी बादशाह सलामत ने। सुनिए, राव जी कहाँ? हुकुम, बाहर ही है वे। ये चूहा, अगर इस चूहे ने खाना खा लिया तो इसकी फौरन मौत हो जाएगी और फिर मैं भी शक के घेरे में आ सकती हूँ क्योंकि सब जानते हैं कि मैं भी रसोई में थी। सुल्तान सिंह इस चूहे को फेंकिए। राव सुल्तान प्रताप हमें मुर्दा बनाए, इससे बेहतर हम मूर्ति बन जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? खमागढ़ी बाबूजी राज, राव जी महल के मुख्य द्वार पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। जान बची, जान अन्यथा इस चूहे के साथ साथ प्रताप इस चूहे को और इस चूहिया को भी। अरे अरे, आपका दुपट्टा गिर गया। किंतु आपने तो दुपट्टा पहना हुआ, तो अच्छा, तो ये दुपट्टा आपका है। चलिए आज हम आपकी लाज बचा देते हैं दुपट्टा उठा के। सर्वप्रथम तो ये दुपट्टा नहीं कमरबंद है, द्वितीय इनका नहीं हमारा है, तृतीय ये हमारी मंशा है कि हमारे ये जो कमर बंद है वो धरती पुत्र बन के धरती की गोद में यूं लेटर है। आपको क्या आपत्ति है? ये क्या हो गया है ने? वो क्या है ना, ऐसी परिस्थितियां आती रहती है जहां ये अपना संतुलन खो बैठते हैं। ऐसे समय में हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यदि आप कह रही है तो इन्हें अकेला छोड़ ही देते हैं। है? सर उठा के दशा करेंगे ना एक बार इसकी कि सर उठाने लायक नहीं रहेगा। वैसे क्या था ये? वो मैं आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। पहले इस चूहे से छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक लग रही है दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था। कुंवर प्रताप, राणा जी का जितना आभार मान सकते हैं उतना कम है। उन्होंने आपको यहां भेजना स्वीकार किया, आप यहां आए, आपने अफगानों से हमें सचेत किया। अफगानों के सैनिकों को आपने पाठ पढ़ाया, उतना ही नहीं, अफगानों द्वारा अतिक्रमित हमारी भूमि को आपने मुक्त भी करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि की सुरक्षा के लिए तो कुछ भी करना हमारा कर्तव्य है राव जी। फिर इसमें आभार और धन्यवाद की बात कहां से आ गई? पर हाँ, हमें एक बात का निवेदन करना है आपसे राव जी। कहिए। हमने पुरोहित जी से कह दिया है कि हमारे मित्र चक्रपाणी के साथ उनकी पुत्री सौभाग्यवती का विवाह यहाँ बिजोलिया के राजमहल में संपन्न होगा। परंतु अब आपको इसमें कोई आपत्ति है तो आप हमसे कह दीजिए, हम
पुरोहित जी से जाके क्षमा मांग लेंगे। क्यों? आप क्षमा क्यों मांगेंगे? आपके मित्र का और राज पुरोहित जी की पुत्री का विवाह यहीं हमारे राजमहल में ही होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके मित्र का विवाह अब हमारा उत्तरदायित्व होगा। धन्यवाद राव जी। जिस तरह से प्रताप के सामने आपने एक के बाद एक अपनी तमाम मेवाड़ी सरहद वाली फौजी चौकियां गवाई हैं और इस शर्मनाक शिकस्त के बाद भी फौजें पीछे हटाकर आप जिस तरह से चुपचाप खामोशी के साथ अपने महलों में बैठ गए हैं, इससे हमारे दिल में आपकी दोस्ती की जानिब संजीदा शक व शुबह के तूफान उठने शुरू हो गए हैं। हमने ये भी सुना है कि आप प्रताप से डर गए हैं। अब तक मिली इन सब मायूस करने वाली खबरों और अफवाहों के बावजूद जितनी रसद और असले की मांग आपने की थी उससे दुगनी रसद, गोला बारूद और असला भिजवा दिया है हमने। हमें वजूहात सुनने की आदत नहीं है महमूद शाह, हम नतीजा चाहते हैं और तवारीख में अपने नाम को बुजदिलों की फहरिस्त में शामिल होने से रोक लो। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बहुत गर्मी है मामून, हमारे लिए गुलाब का शरबत पेश किया जाए। हुजूर, आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मुगल बादशाह तो ऐसा लगता है जैसे कि धमकी दे रहे हैं और प्रताप के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का हुक्म दे रहे हैं। कह दीजिए आप उस मुगल बादशाह अकबर से कि नहीं चाहिए हमें रसद और असला। हमें वो ऐसा पैगाम कैसे भेज सकते हैं? हमारी इतनी बेइज्जती। खामोश। शहंशाह अकबर हमें गोला बारूद सोना हथियार क्यों भेज रहे हैं? क्यों? हम जैसे छोटे हुक्मरान को मुगल इतना सब कुछ यूं दिए चले जा रहे हैं? कोई ना कोई तो वजह है इसकी मामून, कोई निजी वजह है। लगता है अकबर ने प्रताप से बहुत गहरी चोट खाई है। इसके जज्बाती होने का हम जितना फायदा उठा सकते हैं उठाएंगे और फिर मौका देकर प्रताप को भी हराएंगे और मुगलों को, और इसके बाद दुनिया कहेगी कि देखो इसे कहते हैं महमूद शाह की सियासत। चूहे महाराज, भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और आपसे विनती करते हैं कि हमारी मौत इनकी तरह ना हो। क्यों क्यों आप नीची नजर? क्यों क्यों आप नीची नजर? क्या आवश्यकता थी हमारा ये कमरबंद खींच के प्रताप के सामने हमें यूं हमें लाने की? आपको पता नहीं हमने क्या किया? देखिए मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। शुक्र है प्रताप की नजर हम पे नहीं पड़ी, वरना हम आपकी ओर इशारा करते, फिर प्रताप की नजर आप पर पड़ती, फिर प्रताप हम दोनों को देख लेता। अरे हम चाहे लाख भेष बदल ले प्रताप हमें पहचान लेगा, और यदि हमें पहचान लिया तो हम आपको भी फंसाएंगे, यदि हम मरेंगे तो आप भी मरेंगे, हम दोनों की कब्र बाजू बाजू में होगी। बस आवाज नीचे, बहुत बोल लिया। खम्मा घड़ी भाई साहब, आपके लिए मथुरा से उपहार आया। अच्छा अच्छा, बोल अब बस करें, क्यों रो रही हैं आप इतना? बात तो बताइए। अच्छा दे, कुंवर प्रताप सोचते हैं कि वो भोजन हमने बनाया था, बल्कि वो भोजन आपने बनाया था। बोल तो उसमें रोने वाली क्या बात है, हम उन्हें बता देंगे कि सच क्या है। नहीं अजबते, हमें तो ये सोच सोच के रोना आ रहा है, यदि हम सचमुच में अच्छा भोजन बनाते और कुंवर प्रताप हमारी प्रशंसा करते तो कितना अच्छा होता ना। अच्छा है वो उस भोजन की कितनी भी प्रशंसा कर, हमें भोजन बनाना आता ही नहीं है। हमने आपकी सहायता से ने प्रभावित तो कर लिया अजबते, पर यदि आगे जाके उन्हें पता चला तो हम क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मारवाड़ के राजा राव मालदेव जी की पोती राजकुमारी फूलकंवर मात्र प्रशंसा पाने के लिए अपने आंसू बहा रही है। क्या हो गया आपको फूल? आप तो सब जानती हैं ना, आप समझाइए ना हमें। फूल अब इस विषय पर तो हमें भी कुछ नहीं पता है, और हम बस इतना चाहते हैं कि
आपकी आंखों से आंसू ना आए, आप उदास ना हो। हमने पहले आपको ऐसा कभी नहीं देखा। और फूल, आप तो कितनी साहसी हैं, किसी से हार मानती ही नहीं है। बात तो आपकी ठीक है जबती, हम अपने आंसू क्यों बहा रहे हैं? और वो भी कुंवर प्रताप के लिए, जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जो इतने अहंकारी हैं, जिन्होंने हमें हमेशा हराया, हमने जब भी उनके विरुद्ध कोई भी खेल खेला तो। नहीं नहीं पूछो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या वे हमारी प्रशंसा करते हैं? नहीं, मतलब अजबे, चाहे कुंवर प्रताप हमारी प्रशंसा करे या ना करे, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या हुआ जबरदस? हमें चक्कर आ रहा है। चक्कर? क्यों? आपकी बातें सुनके। खम्मा गणी भाई सा, चक्रपाणी मिश्र जी के घर वाले आ गए हैं। कालीन है, मथुरा से कालीन। लगता है इस कालीन में मेरे लिए कोई पैगाम आया है। कालीन में पैगाम? कृपया हमारी सहायता करें। आभार, आभार, बहुत है भार। आह, सुंदर, अति सुंदर। इसे उठाइए। इतिहास गवाह है गौहरजान कि जब भी कालीन में संदेश आता है वो राव सुरतन के लिए आता है। हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? जरा जोर से पढ़िए। हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए। राव सुरतन, मुहिम में गौहरजान की बार बार नाकामयाबी शहंशाह को नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है, इसलिए ये हुक्मनामा जारी किया जाता है कि अगले चंद दिनों में वो कुंवर प्रताप को मारने में नाकामयाब हुई तो उसे खत्म कर दो। ये मत सोचिएगा कि वहां बैठे शहंशाह को मेरे बारे में हुई किसी गलत फहमी की वजह से मैं आपसे डर गई हूं। गौहरजान नाम है मेरा, अब भी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ मैं आपको, और किसी को पता बता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या क्या हुआ। गौहरजान, हमारे दिखावे पे मत जाइए कि हम बाहर से दिखते हैं कुछ और भीतर से हैं कुछ और। गौहरजान, यदि आप जीवित रहने के लिए अधिक श्वास लेना चाहती हैं तो हमारी बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध नहीं, आपके साथ हैं। साथ में रह के शीघ्र कार्य समाप्त किया ना गौहरजान, तो दोनों जीवित मुगलिया सल्तनत लौट पाएंगे। कृपया इस खंजर पर अपनी पकड़ ढीली कीजिए। कृपया, विनती करते हैं हम आपके साथ हैं, वचन देते हैं हम। जी बावड़ा हो गया गौहरजान, अब हम दोनों मिलके दुश्मन को देंगे मात। जब देना है एक दूसरे का साथ तो क्यों ना दे एक दूसरे के हाथों में हाथ। अधिक आनंद आएगा यदि हमें मिल जाएगा आपका संगात। खम्मा गणी राव जी, गणी खम्मा, पधारिये पंडित जी। वैसे कई बार हो चुका था परिचय इनसे, फिर भी शुभ अवसर पर हम फिर से करवा देते हैं। ये है मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप। चुप कर,
अरे ये तो हमारे लिए वो है जिनकी वजह से हमारे मूर्ख बेटे को बुद्धि आ गई। सच कुंवर प्रताप, आपने इस दुखियारी माँ की बात का मान रख लिया। नहीं नहीं काकी जी, हमने कुछ नहीं किया है। बाजूरा से हमें राजपुरोहित जी किया भगा कर ले जाना चाहते थे वो संबंध के लिए। अच्छा तो आप अपनी माँ से ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया सब कुंवर प्रताप ने किया और हमने कुछ भी नहीं किया? नहीं नहीं, इनके कहने का ये तात्पर्य नहीं था। आपने भला कैसे नहीं किया कुछ? वास्तव में तो सब कुछ आपने तो किया था। यदि आप ना होती तो हमारे मित्र चक्रपाणि का विवाह पक्का नहीं हो पाता। अजबदे, क्या ये सचमुच में हमारी प्रशंसा कर रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, पर वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उससे आपकी प्रभावित हो रही है। अजबदे, कहीं आप भी तुम्हारे प्रयास नहीं कर रही? अजबदे, यदि आपकी बातचीत समाप्त हो चुकी हो तो हम बाकी की महत्वपूर्ण बात कर लें। जी। ये आपकी सखी आपको हर बार फंसा देती है। अम्मा रानी, चिर सौभाग्य होती भा। रानी सर, विवाह की सभी व्यवस्थाओं के लिए आपको हमारा सत सत नमन। पुरोहित जी, अभी हम लड़की वाले हैं, विवाह संपूर्ण होने तक ऐसी औपचारिकताएं आपको शोभा नहीं देती। लक्ष्मी आई है घर पे, हम इनकी आरती तो उतार ली। पोपली, आरती का थाल दीजिए। जी पोपली, हमने आरती के थाल पूजा घर में रखी है सजा के। आप जाइए और रमा जी को बोलिए कि वो तुरंत ले आए। रमा जी को तो हमने 3-4 दिनों से देखा भी नहीं, हम ला देते हैं पूजा की थाल। रुकिए, हमने भी रमा जी को 3-4 दिनों से नहीं देखा। बाबू, क्या आपने उन्हें अवकाश दिया है? नहीं, महल में विवाह है, इतने सारे काम पड़े हैं, भला हम क्यों देने लगे उन्हें अवकाश? बाबू, हमें तो चिंता हो रही, अचानक कहाँ चले गए रमा जी? अपने ससुराल। उसके ससुर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उसे तुरंत ही जाना पड़ा। पर हमने तो सूचना दे दी थी जालम सिंह जी को। आपने दादा भाई जालम सिंह को बताया था? वो तो अवश्य उन्हें बताना भूल गए होंगे हमेशा की तरह। रमादासी, अब तो परलोक ही तुम्हारा ससुराल हो चुका है, जहाँ से किसी को वापस आने की छुट्टी नहीं मिल सकती। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ, कोई फिर से तुम्हारी खोज खबर ना काम। हरी, इसमें तो कपूर ही नहीं है। कपूर नहीं है, कमाल है। जब हम थाल लेकर आ रहे थे तब तो इसमें कपूर था। बाबू, थाल हमें दे दीजिए, हम देखते हैं। हम कह रहे हैं ना, इसमें कपूर नहीं है। ये रहा कपूर, दिए के पीछे ही छुपा हुआ था। अरे वाह, घबराइए मत सौभाग्यवती, हम ध्यान रख लेंगे अम्मा का विवाह में। सौभाग्यवती, आगे आइए। आओ बेट। करो, वक्त नहीं हमारे पास, जल्दी करो। हुजूर,
गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, पर क्या आप हम ये बताने की जहमत फरमाएंगे कि हम अपने चुनिंदा सिपाहियों को मेवाड़ी सिपाहियों के लिबास क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मुहिम के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इस वक्त जितना काज है उतना करो। तुम भी बदलो अपना लिबास, जाओ। जी हुजूर।